सवाल यह है कि 2014 से लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के जिस सिलसिले को नेहरू गांधी परिवार नहीं तोड़ पाया, सोनिया और राहुल जिसे नहीं तोड़ पाए, नहीं रोक पाए, क्या उसे खड़गे तोड़ पाएंगे? क्या खड़गे के हमले मोदी ब्रिगेड को जीत के रास्ते से हिला पाएंगे? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि कांग्रेस के हमले मोदी की जीत का हमेशा से बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं। कांग्रेस का हर बार मोदी के लिए फायदेमंद साबित होता रहा है और ये सिलसिला आज का नहीं है, ये बरसों पुराना है। और इसके लिए बकायदा एबीपी न्यूज की टीम ने, मास्टर स्ट्रोक की टीम ने एक रिसर्च की है। अब आपको ले जाते हैं उस स्टार्टिंग पॉइंट से जहां बयान बहादुरों का बयान शुरू हुआ और मोदी का ग्राफ बढ़ता चला गया। सियासत में शब्दों के बाढ़ विरोधियों को चित करने के लिए चलाए जाते हैं, जीत की राह में रोड़े अटकाने के लिए चलाए जाते हैं, लेकिन मामला अगर कांग्रेस का हो तो असर उल्टा नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस जब भी तीर चलाती है बीजेपी को ही फायदा पहुंचाती है। ये बात एक दो बार की नहीं है, सिलसिला बरसों पुराना है। वो साल था 2007, मौका था गुजरात में विधानसभा चुनाव का। सोनिया गांधी पार्टी के प्रचार के लिए गुजरात गई थी। उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्हें घेरने निकली सोनिया ने एक चुनावी सभा में मोदी को मौत का सौदागर कह दिया। कांग्रेस को लगा कि उसने बड़ा तीर मारा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने खेल पलट दिया। बीजेपी ने भोपाल गैस कांड के विलेन वॉरेन एंडरसन के हिंदुस्तान से निकल भागने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को पूरी तरह घेर लिया। मैडम सोनिया जी, देश जानना चाहता है ये भोपाल के अंदर हजारों लोगों के मौत का सौदागर कौन था? मैडम सोनिया जी, आप अपना मुंह खोलिए, आपका मौन तोड़िए और देश की जनता को विश्वास दिलाइए, हुआ क्या था? और जब 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। बीजेपी ने 182 में से 117 सीटें जीतकर फिर से सरकार बना ली। मोदी के हाथों मिली इस मात के ठीक 7 साल बाद साल 2014 कांग्रेस ने एक बार फिर वही गलती कर दी। लोकसभा चुनाव का शोर था। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गजों में शामिल मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी की हार की भविष्यवाणी करते हुए उन्हें चाय वाला कह दिया। मैं आपको वायदा करता हूँ कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पर चर्चा शुरू कर दी। इसी दौरान कर्नाटक का दौरा कर रही सोनिया गांधी ने 2 फरवरी 2014 को मोदी पर जहर की खेती का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने इस पर भी करारा पलटवार किया। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं। सोनिया जी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग जहर की खेती करते हैं। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा गुस्सा पर कौन रहा? देश में पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा सत्ता पर कौन रहा? अगर सत्ता जहर है तो सबसे ज्यादा ये जहर चखने का काम किसने किया? नतीजे आए तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी सत्ता से आउट हो चुकी थी। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ संसद पहुंच चुकी थी। केंद्र से लेकर राज्यों तक की सत्ता से कांग्रेस की विदाई का सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके हमलों की रफ्तार और तासीर वही रही। संसद के बाहर हो या भीतर, प्रधानमंत्री मोदी पर किया गया कांग्रेस का हर हमला बीजेपी को फायदा पहुंचाता रहा। राहुल गांधी ने कांग्रेस शासन में लागू की गई योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया तो जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आया। एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जाता स्मारक है। मोदी के पलटवार एक तरफ खुद उनका बचाव करते रहे,
तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कद भी कतरते रहे। एक एक करके मैं आपके अंदर से आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। मैं पहली बार यहाँ आया था, बहुत सी चीजें नहीं जानने को मिली जैसा कुछ अर्थी जिंदगी में पता नहीं था। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है। ये पहली बार पता चला। आलोचकों की नजर में राहुल एक ऐसे रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है जो जाने अनजाने खुद विरोधियों को हमले के मौके देते रहते हैं। 2 जनवरी और 4 जनवरी 2019 को कुछ ऐसा ही हुआ था। राफेल डील पर चर्चा के दौरान राहुल ने संसद में साथियों को आंख मार दी। मोदी ये मौका भी नहीं चूके। मुझे पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सदन में आंखों से गुस्ताखियां होती है। ये आंखों की गुस्ताखियों वाला खेल भी पहली बार इसी सदन में देखने को मिला और देश के मीडिया ने भी बहुत को उसको मजा लिया। इसी बीच 2019 की चुनावी गहमा गहमी जोर पकड़ने लगी। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने के लिए राहुल ने चौकीदार चोर है का नारा उछाल दिया। नरेंद्र मोदी जी ने सरकारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट छीना, अनिल अंबानी के साथ फ्रांस गए, फ्रांस में राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट बदला, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। यह आपने को नरेंद्र मोदी ने भाषण में बोला, क्यों नहीं बोला भाई और बहनों? क्योंकि चौकीदार। बीजेपी ने कांग्रेस के इस वार को भी औजार बना लिया और मैं भी चौकीदार कैंपेन शुरू कर दिया। आपने कहा मोदी संस्थाओं को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। दो हजार 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का पूरा कैंपेन चौकीदार वाले जुमले के दाएं बाएं घूमता रहा। जब नतीजा आया तो बीजेपी ने 303 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। 50 साल से ज्यादा सार्वजनिक जीवन गुजार चुके नरेंद्र मोदी राजनीति के माहिर खिलाड़ी। फरवरी 2020 में राहुल गांधी ने गुगली डालने की कोशिश की, पीएम मोदी ने उसे भी बाउंड्री के बाहर भेज दिया। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने बाद 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना, उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही है, तो 6 महीने का समय तो अच्छा है। लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना। चुनाव की घड़ी एक बार फिर करीब आ रही है। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है। जाहिर है जंग जोरदार होगी और पलड़ा उसी का भारी होगा जिसके वार में धार होगी और निशाना
सटीक होगा। जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।